दोस्तों, आप अपने किचन गार्डन से एक पोटैटो ले सकते हैं। तो जिस तरह से इसके आंखें निकल रही हैं, यानी कि इसके ब्रांच निकल रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे से इसको यहाँ से काट दीजिए, यानी कि यहाँ से इसको कट कर दीजिए। तो किसी ऐसे ज़मीन में लगाइए जिसमें मिट्टी और रेत ज़्यादा हो, पत्थर ना हो, तो यहाँ से इसके नए ब्रांचेस निकलेंगे। तो यहाँ हम इसको गाड़ लेंगे, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। 4 महीने लगते हैं इसके नीचे पटाटो लगने में। 4 महीने में फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 महीने के अंदर इसका फसल तैयार होता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ से इसके ब्रांचेस निकलेंगे, ये बहुत आसानी से ग्रो होता है, क्योंकि आप अपने किचन से किसी ऐसे पटाटो या ले सकते हैं जिसके आंखें निकल रहे हैं, इसके नए ब्रांच निकल रहे हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं ज़मीन में लगाने के लिए।